मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से मेष राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेष राशि का स्वामी मंगल है। इस राशि के व्यक्ति के मुंह पर या बगल में या पैरों में काली मिर्च जैसी गोल निशान पाई जाती है या फिर काला तिल पाया जाता है। शरीर में दाह होता है। बाल्य अवस्था में या उत्तरार्ध अवस्था में अमीर बने देखे जाते हैं। मेष राशि के लोग धनवान होते हैं और खरीद फरोख्त में लाभ मिलता है। इस राशि की छठवीं कन्या राशि होने से गर्मी के रोग होते हैं, खून गर्म रहता है, गर्म मिजाज के होते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा करने लग जाते हैं, क्रोध करने लग जाते हैं, आयु प्रकोप भी रहता है। मेष की सातवीं राशि तुला होने से एक ब्याही हुई और एक अन्य ऐसी दो स्त्रियों से रति सुख प्राप्त होने की संभावना रहती है। पेट के रोग से परेशानी हो सकती है। नवम में धनु राशि होने से देशाटन से लाभ होता है। कोई भी कार्य मेष राशि के व्यक्ति शुक्रवार को प्रारंभ ना करें। शुक्रवार आपके लिए अच्छा दिन नहीं रहता है। शुक्रवार के दिन कोई भी कार्य आप ना करें। शुक्रवार के दिन कोई विशेष कार्य यदि आप करते हैं तो आप रोगग्रस्त होते हैं और उन्हें रोगों से जल्दी मुक्ति नहीं मिल पाती है। हकीक नामक रतन अंगूठी में जड़वा कर पहनने से लाभान्वित होंगे और मंगल देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मंगल देव आपके राशि के मालिक हैं, स्वामी हैं। मेष राशि की साथी, मेष राशि की स्त्रियों का स्वभाव बहुत ही अच्छा रहता है। शरीर का रंग गेहुआ होता है। किसी बड़े या धनवान मनुष्य की पत्नी होने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त होता है। यह स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं, पतिव्रता होती हैं और सौभाग्य इन्हें विशेष रूप में प्राप्त होता है। संतति काफ़ी होती हैं किंतु तीन संततियों का सुख इन्हें प्राप्त होता है। तीन संतान के सुख मिलता है। पैसा आएगा लेकिन रुकता कम है, इससे मंगल देव की पूजा अगर आराधना आप करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके जो रुके अधूरे अटके कार्य हैं वह भी धीरे धीरे पूर्ण होने लग जाएंगे। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। धन वैभव में वृद्धि होगी। लक्ष्मी और कुबेर की साक्षात कृपा होगी। आपके घर परिवार में सुख और शांति आएगी। आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय होगा। आप अपने परिवार में सुख और शांति से रहेंगे
कोई ऐसा कार्य आप करेंगे जिससे आपका नाम होगा। जय सियाराम, जय माता की।